अनुरागी ही हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचनी वृंद। सारी सखियों ने कहा रे सखी अगर जानकी जी को यही वर मिल जाए, अगर धनुष यज्ञ में इन्हीं के द्वारा धनुष उड़ जाए, आओ हम लोग भगवान से यही मनाएं कि इन्हीं के द्वारा धनुष उड़ जाए, तो इनसे सुयोग्य वर तो जानकी जी के लिए हो ही नहीं सकता। तो एक सखी कहती है सखी हमने तो मान ही लिया कि इन्हीं से धनुष उठना है, और सखी यदि इनसे धनुष उठना है तो धनुष तो उठेगा परसों, किंतु परसों तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हम। अर्थात सारी सखियों ने सोचा सखी ये जो जनकपुर की गलियां है ना गलियां, इन जनकपुर की गलियों को ही हम विवाह का यज्ञ हवन कुंड मान लें, और भगवान जो इन गलियों में गुजर रहे हैं हम ये मान लें कि प्रभु फेरे लगा रहे हैं विवाह के। और जब कोई जमाई राजा दूल्हे जब फेरे लगाते हैं दुल्हन के साथ, तो दुल्हन की सखियां क्या करती हैं, मित्र क्या करते हैं, बर सही सुमन आओ सखियां हम लोग भगवान को दूल्हा आज ही से जमाई मान लेते हैं, और सब लोग मिलकर के भगवान पर पुष्प वर्षा करने लग गए कि ही हर सही बर सही सुमन अरे सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाय जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। भगवान जहाँ जहाँ से चले जा रहे थे अरे लोग परमानंद आनंदित हो रहे थे प्रभु का दर्शन करके। किसी प्रकार घूमते फिरते भगवान संध्या तक गुरुदेव के पास आ गए। रात्रि काल से पहले डरते हुए भय करते हुए गुरुदेव कहीं डांट ना दे, गुरुदेव कुछ कह ना दे, कोई बात नहीं गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा माताओं बंधुओं। तत्पश्चात रात्रि में गुरुदेव विश्राम करने गए। तो जब गुरुदेव विश्राम करने गए तो क्या करते हैं दोनों भाई, दोनों भाई गुरुदेव के चरण दबाना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, अपने बड़ों की सेवा, ये बच्चों को करना चाहिए, उनको आना चाहिए भाई। बच्चों को ये संस्कार होने चाहिए दादाजी दादी जी, यदि उनका रात्रि में सोना है पिताजी को पुत्र पैर दबाए, दादाजी का नाती पैर दबाए, दादी जी का नातिनी पैर दबाए, बहू पैर दबाए सास के, ये सब संस्कार होने चाहिए। देखिए क्या किया दोनों भाई, मुनिवर शयन कीन तब जाई तो चरण कमल चापत दो भाई। दोनों चरण कमल चबा रहे हैं, चरण कमल दबा रहे हैं। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र जी महाराज लेटे हुए हैं, आ बड़ा आनंद आ रहा है, और थोड़ा सा इधर राम, थोड़ा सा एड़ी पे, थोड़ा इस तरफ से दबाओ, थोड़ा इधर करो, इस प्रकार कर ही रहे थे। तब तक उनको याद आया, उन्होंने कहा अरे विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी मन में विचार कर रहे थे, मैं वही विश्वामित्र हूँ क्या, अभी कुछ समय पहले जब मैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए चिंतित था, कल का प्रसंग आप लोगों को स्मरण होगा, तो मैंने सोचा था कि भगवान तो यज्ञ की रक्षा करेंगे, राक्षसों का संहार करेंगे, और मैं उसी बहाने भगवान के चरणों का दर्शन कर लूँगा। ए हूँ मिस देखूं पद जाई। और विश्वामित्र जी जो आप भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए लालाए थे, आज आपके ऐसे दिन पलट गए, ऐसी बुद्धि पलट गई कि उन्हीं प्रभु से अपने चरण दबा रहे हो अभी, अरे इस प्रकार का पाप करवा रहे हो, एकदम से फपक पड़े विश्वामित्र जी, झटक दिया, राम राम रहने दो, नहीं करवाना हमें, आप जाइए, हमें कोई चरण आपसे नहीं दबाने, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, जाइए जाइए हमें कोई चरण दबाने, राम रहने दीजिए। राम जी तो जाने कोई तैयार नहीं, वो तो दबाए जा रहे हैं दबाए जा रहे हैं। अब माताओं बंधुओं एक बात का विचार करिएगा, ये वही राम जी है जो चले जात मुनि दीन दिखाई और सुनी ताड़का क्रोध करिधाई, एक ही बाण प्राण हर लेना। विश्वामित्र जी ने केवल दिखा दिया था राम मार दो बाण, और तुरंत बाण मार दिया था इन्होंने राम जी ने, ये वही राम जी है। और आज वही विश्वामित्र जी बार बार कह रहे हैं, एक बार की आज्ञा में बात मान लेने वाले प्रभु श्री राम, और बार बार आज्ञा दे रहे हैं कि रहने तो जाओ जाओ, लेकिन राम जी जाने को तैयार नहीं। अवज्ञा हो गई, अरे भाई गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे हो, गुरु बार बार कहना पड़ रहा है तुम सुन नहीं रहे हो, कानों में आपके झूने ही रेंग रही, ये कौन सी बात हो गई।
कई बार कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तीन ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों में यदि आपको मना भी किया जाए तो एक बार में कभी मत मान जाना। तीन कार्यों में कौन सा? पहला सेवा। जब सेवा करनी हो अपने बड़ों की, संतों की, तो जैसे बड़े हैं, दादा हैं, दादी हैं, पिताजी हैं, उनके चरण दबाओगे, गुरुदेव के चरण दबाओगे, तो वो तो यही कहेंगे थोड़ी देर बाद, बस 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 बेटा रहने दो, अब हो गया, बस बस थक गए होगे, तो तुरंत मत हट जाइए, उसके दो तीन मिनट तक और थोड़ा सा दबाइए, अरे नहीं 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 थोड़ा सा और दबाइए। दूसरा भोजन में जब हम लोग कहीं भोजन करने जाते हैं तो वहाँ पे, या आप लोग कहीं भोजन करने जाते हैं तो कई बार संकोच में ऐसा होता है कि अरे बस 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 बस, बस हो गया, तो ऐसा मत कर दीजिए कि एक ही रोटी दे करके रुक गए, अरे नहीं नहीं और थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा, वरना क्या घटना होगी जानते हैं आप में से कोई लाला जी तो नहीं बैठे तो लाला जी को छोड़ करके आपको एक घटना बताऊं। एक लाला जी थे, तो भैया क्या हुआ कि लाला जी तो बेचारे बड़े अच्छे थे, किंतु उनकी जो धर्म पत्नी थी ना, वो धर्म पत्नी आज भी कई हो गए ऐसी धर्म पत्नियाँ, पहले ही फोन करके पूछ रही थी कितनी रोटी खाओगे, उतनी बनाऊं, चार की पांच की दो, उतनी बना के टिफिन में रख देते। तो लाला जी कितने, तो उनको फोन तो था नहीं, आदत पड़ गई थी कि भैया एक रोटी लाला जी को खानी है। अब क्या हुआ, लाला जी चले आ रहे थे, तब तक उनका एक मित्र मिल गया, तो देखा कि हम भी आपके साथ चलेंगे लाला जी, आज आप ही कहाँ भोजन करेंगे। तो लाला जी ने समझ गए कि वो मेरी पत्नी तो मुझको छोड़ेगी नहीं, हम भैया, अरे कई बार ऐसा कई घरों में होता है मुझे विश्वास है कि आप माताओं में से किसी का ऐसा नहीं होता होगा, भैया लोगों को बड़ा डरना पड़ता है किसी मेहमान को बुलाने से, पहले पूछ लो भाई, पता लगा कुछ मामला गड़बड़ हो जाए तो क्या हुआ कि हमारे जो स्वामी जी थे अंगद जी महाराज, उनकी घटना बताऊं कि स्वामी जी एक जगह भोजन करने गए, तो जब भोजन करने गए तो अच्छा भोजन वोजन हुआ, उसके बाद भाई ये होता है संत पूछते हैं इतना स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया, उनको भी बुलाइए, उनको भी आशीर्वाद दें, तुमने बुलाया, ये हमारी पत्नी है, इनसे मिलिए, इन्होंने ही सारा भोजन बनाया है। तो स्वामी जी ने कहा बड़ा आशीर्वाद, आपने बड़ा अच्छा भोजन बनाया, पूरी मंगल कामनाएं। तो उनकी धर्म पत्नी बोली, महाराज जी आपका आशीर्वाद तो ठीक है लेकिन आपसे एक विनती करनी है। बोले क्या? बोले विनती ये है कि आप हमारे पति देव को ये समझा दीजिए कि आज के बाद हमसे बिना पूछे किसी को बुलाया ना करें भोजन करने के लिए, पहले हमसे पूछ लिया करें। तो माताओं बंधु कई बार ऐसी स्थिति भी घर में हो जाती है। तो क्या हुआ कि लाला जी के साथ वही स्थिति हो गई, तो गए और जाकर के देखा तो पत्नी से कहा कि अरे वो एक और आ गए हैं, उनको मना कैसे करूं, उनको भी भोजन कराना है। तो पत्नी ने कहा मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि एक रोटी आपकी बनती है, एक रोटी मेरी बनती है, और एक रोटी से आधी रोटी तो हम कर देंगे, आगे से एक रोटी हम बनाएंगे नहीं कुछ भी, किसी दो रोटी में काम चलाना हो तो चला लो। तो लाला जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम उपाय करते हैं, जैसा हम कहें वैसा ही करना। तो बोले ठीक है। तो अब क्या हो, दोनों को भोजन करो ने परोसा, तो जो मेहमान था उसको एक रोटी परोसी और लाला जी को आधी रोटी परोसी ना। तो जब आधी रोटी परोसी लाला जी को, तो स्वाभाविक है कि आधी रोटी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, एक रोटी ख़त्म होने में थोड़ा देर लगेगी। तो क्या हुआ कि जैसे ही आधी रोटी ख़त्म हुई तो धर्मपत्नी आई, अरे सुनते हो जी और रोटी लाऊं? तो लाला जी ने कहा अरे आधी रोटी बस, लाला है कि पशु, अरे लाला है कि जानवर है, आधी रोटी बहुत होती है मनुष्य के लिए खाने के लिए। तो खाने वाला, सामने वाला सोच रहा था कि ये तो आधी रोटी में जानवर और आदमी सब बोल दिए, हम तो एक रोटी खाए हुए हैं। तो उन्होंने आपके लिए कुछ लाऊं? अरे अरे बोले बहुत हो गया, आपने पहले ही हमको एक रोटी दे दी थी, अब हम कुछ ना खा पाएंगे इससे ज़्यादा। तो कहने का अर्थ है माताओं बंधु, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे विश्वास है हमारे लाला जी के हाथ ऐसा नहीं होता होगा जो यहाँ बैठे हैं। तो माताओं बंधुओं कहने का अर्थ है कि भोजन में यदि कोई मना भी कर रहा है, लेकिन एक और नियम भी इसके साथ मैं आपको जोड़ दूँ, कुछ लोगों को छोड़ के, अपवाद
जो होते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जांपल्स, अपवाद कभी भी उदाहरण नहीं होते हैं। तो उनमें से एक अपवाद हम भी हैं, माने हमारे को जो भोजन कराते हैं मिश्रा जी आदि, वो जानते हैं कि हम एक छोटी सी रोटी ज़्यादा लेते नहीं कुछ, और बहुत छोटा सा भोजन हमारा बहुत हो, तो उसको पता लगा कल से ज़बरदस्ती, और कि आप ही ने महाराज जी कथा में सुनाया तो आप ही भुगतो उसको। तो ऐसा ना करें, हमारे को छोड़ करके और जो भी मेहमान आए उसको पूरा पेट भर के भोजन कराया जाए। तो क्या हुआ, दूसरा भोजन, भोजन में कोई मना भी कर रहा हो तो आधी एक रोटी और रख दीजिए, और तीसरा दान, किसी को देने में सामने वाला मना ही करेगा, अरे अरे इसकी क्या आवश्यकता थी, अरे अरे रहने दीजिए, ये उसका धर्म है मना करना। लेकिन ये नहीं कि आपने पर्स से पैसा निकाला, अरे अरे इसकी क्या जरूरत है, तो चलो कोई बात नहीं है वापस रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। सामने वाले का धर्म है मना करना, और आपका धर्म है दान पुण्य करना। ये तीन में कभी सेवा भोजन दानों में आज्ञा भंग न दोष, इनमें यदि आप आज्ञा भंग भी कर देंगे तो कोई दोष नहीं आता। तो क्या करें, बोले बार बार गुरु रो कहीं तब हुन कीजिए तोष, तोष का अर्थात संतुष्ट ना हो जाइए, बार बार भी गुरुदेव क्यों ना रोके। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी ये हुआ, बार बार कह रहे राम रहने दो, राम रहने दो, तो बार बार मुनिया ज्ञा दीनी रघुबर जाई सयन तब कीनी, तब जाके प्रभु श्री राम जैसे ही वो लेटे, तो लेटते ही क्या हुआ, उनके चरणों पे हाथ का असर होने लग गया, कि चापत चरण लखन उरलाए, लक्ष्मण जी महाराज दबाने लग गए पैर। तो जब लक्ष्मण जी महाराज दबाने लग गए तो राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण सो जाओ, अरे रहने दो। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह भैया अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं गुरुदेव ने आपको कितना मना किया, गुरुदेव की आधी नींद तो आपको मना करने में उड़ गई, और पसीना लगा गया उनको मना करने में, अच्छा पहले सो जाते हो, मना करते करते नींद उड़ा दी आपने, और अब हम मान जाएंगे क्या, हम साथ क्या उदाहरण है। माताओं बंधु, हमारे मध्य प्रदेश में कहावत है कि जैसा बड़ वैसा बाड़ा, अर्थात जैसे बड़े लोग आचरण करेंगे ना वैसा ही उनके छोटे देख देख के आचरण करेंगे। हम लोग यदि अपने आचरणों को नहीं मर्यादित रखेंगे, नहीं सुधारेंगे, और हम इस बात की अपेक्षा अपने बच्चों से करें कि नहीं वो बड़े संस्कारवान होंगे, नहीं वो बड़े सबके आज्ञाकारी होंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। यदि आप आचरणों को अच्छा रखेंगे तो बच्चे वही तो सीखेंगे, उसी का तो अनुकरण करेंगे। तो क्या हुआ, जितना पसीना विश्वामित्र जी महाराज को राम जी को भेजने में आया ना, मना करने में आया, उतना ही पसीना राम जी को लक्ष्मण जी महाराज को मना करने में आया, रोकने में आया, कि पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, सो जाओ लक्ष्मण अब बहुत हो गया, और पौड़े धरी भरी पद जल जाता। तो क्या हुआ, पौड़ भय धरी पद जल जाता, वो वहीं पे पौड़ गए, सोए नहीं, पौड़ना अवधि शब्द, यहाँ तो ये अवध क्षेत्र पूरा बस्ती का आप लोग समझते होंगे। माताओं बंधुओं, ये तो हुआ सोने का क्रम, देखिए अब जरा उठने के क्रम पे ध्यान दे लीजिए। पहले सोने का क्रम क्या हुआ करता था, ग्रामीणांचल से लेके सब जगह, जब से क्या होता था पहले ये समझिए, पहले ये होता था कि जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ होता था, सबसे बुजुर्ग जो होता था, वो सबसे पहले सोया करता था भाई, उसका बिस्तर बिछाना, उसको दूध देना, जल रखना लोटे में आदि करके उनको सुलाने की व्यवस्था की जाती थी, लाइट बंद करना उनके कमरे की, सब कुछ पैर वैर दबा के। उसके बाद उनसे जो कुछ छोटे होते थे यानी माता पिता आदि, वो मम्मी अपना माता जी किचन का काम जो बच गया है सफाई करके, और फिर वो लेटती थी, और फिर उनके बाद उनसे छोटे बच्चे जो होते थे वो आखिरी में माता जी का चाहे चरण दबाना हो, चाहे बिजली बंद करनी हो, दरवाज़ा लगाना हो, उनसे छोटे बच्चे किया करते थे। सबसे बड़े सबसे पहले, उसके बाद बीच वाले, फिर सबसे छोटे वाले।
क्रम तो आज भी वही है सोने का कि बड़े लोग पहले सो रहे हैं और जो सबसे छोटे हैं वो आज भी बाद में ही सो रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने रामचरितमानस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो उसका अनुकरण किया है, लेकिन वो इसीलिए नहीं सो रहे हैं कोई सबसे लेट कि बड़ी सेवा करके सो रहे हैं कि बड़ा वो लेकर के रात में चादर के अंदर लिए मोबाइल और लगे हुए खेल खेलने। आप बताइए, धीमी आवाज में टीवी करके लगे हुए हैं जब तक सो नहीं, जब तक बिल्कुल आंखें बिल्कुल जवाब नहीं दे देंगे अपनी तरफ से कि अब हम उठ जाएंगे, थोड़ी सी हम पे कृपा कर दो, तब तक नहीं सोएंगे बच्चे लेकर के। अच्छा, सोने का क्रम वैसा ही है, लेकिन उठने का क्रम भी देख लीजिए क्या है, उठने का क्रम क्या होना चाहिए। यहाँ सबसे पहले कौन सोया? विश्वामित्र जी महाराज। उसके बाद कौन सोया? पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुत आता, अर्थात राम जी सोए, वो लेट गए थे। उसके बाद पौड़ भये उल्फ्रत जल जाता, उसके बाद लक्ष्मण जी महाराज सोए ना। सबसे अंत में सोए लक्ष्मण जी महाराज, और उठने का क्रम क्या है? बोले उठे लखन। सबसे पहले कौन उठा? लक्ष्मण जी महाराज उठे, सबसे पहले उठे। कारण मैं तो इस बात का एक निवेदन अवश्य करूंगा कि हर परिवार में एक नियम अवश्य बनना चाहिए, एक नियम कि बहुत ज़्यादा ही मान लीजिए कि हम लोग आदतन हो गए हैं, आदत पड़ गई है, तो भी 9:30 से 10 बजे तक टीवी तो बंद हो जाना चाहिए, और अपने जितने भी मोबाइल आदि हैं उनको 9:30-10 बजे के बाद साइलेंट पे कर लेना चाहिए। नहीं मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हो, साइलेंट पे। कारण ये जितने भी आधुनिक उपकरण हैं ये हमारी सुविधा के लिए बनाए गए, हमारी असुविधा के लिए नहीं बनाए गए, समझ रहे हैं? हम कब इसको उपयोग कर सकते हैं इसलिए बनाए गए, हमें ये शोषण कर ले इसलिए नहीं बनाए गए हैं। इसका आगे जा कर के आप लोगों को इतना दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है, यदि शरीर में जरा सा भी असर ये कर गया तो सारा शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा, चाहे वो टीवी हो चाहे। आराम से सोएं जल्दी और आराम से उठें, इनको भी समय दें, ऐसा नहीं सबके समय को निर्धारित रखें, किसी को हावी ना होने दें। यहाँ देखिए सबसे पहले कौन उठा है? उठे लखन निसी बिगत सुनी, अरे अरुण सिखा धुनी कान। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे और क्या सुन के उठे? अरुण सिखा धुनी कान। ये अरुण सिखा क्या है जानते हैं? अरुण सिखा किसे कहते हैं? अरुण की शिखा जो रखा है अरुण ने, अरुण शिखा कहते हैं मुर्गे को। पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म में मुर्गा अलार्म हुआ करता था हम लोगों का, भाई ब्रह्म मुहूर्त में वो बोल देता था तो समझ जाते थे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है ना, और किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज वही अलार्म कटने लग गया है, सब लोग उसको काट काट करके अपना दूसरा काम करने लग गए। तो अब क्या होने लग गया जब सनातन धर्म का अलार्म ही बंद हो गया? तो लोग देर देर से 8-8 बजे 9-9 बजे उठना प्रारंभ कर दिए, और जो देर से उठेगा उसके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, दिनचर्या पे भी असर पड़ेगा। आप जल्दी उठ के देखिए, दिन बड़ा रहेगा, देर से उठेंगे पहले ही सुस्ती रहेगी, दिन भी छोटा हो जाएगा। तो क्या हुआ? बोले अरुण सिखा धुनी कान, अरे गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। गुरु जी से पहले राम जी जागे, अंत में गुरु जी जागे। अब जब गुरु जी जाग गए तो क्या हुआ माताओं बंधुओं, कि गुरु जी ने राम जी से कहा, इसके पीछे भी एक क्या हुआ होगा विचार कर सकते हैं हम लोग, क्या कहा, क्या हुआ होगा? एक बात बताइए, मैंने तो क्योंकि व्यास समाज की विधि से उस प्रसंग को नहीं छेड़ा कि जब जनकपुर में सखियों ने एक दूसरे से बात की कि अरे सखी, जो सखी इन्हें ही देखी नर नाहू, तो पन परिहरी हठी कर ही विवाहो। अगर जनक जी कभी इनको देख लेते ना तो वो सारे प्रण को एक तरफ रख देते धनुष के तोड़ने को, और इनसे जबरदस्ती विवाह करा देते अगर इनका रूप देख लेते। तो दूसरी सखी ने कहा, अरे छोड़ो जी सखी,
कोई तुम्हारी सारी उम्मीद बेकार है। जनक जी मिल चुके हैं इनसे, लेकिन न जाने उनके सर पे क्या भूत सवार है उस संकल्प का। कू कह ए भूपति पहचाने और मुनि समेत सादर सनमाने, लेकिन सखी परम तुपन राहुल तई, अरे विधि बस हठी अविवेक ही भजई। इसका अगर हम सरल शब्दों में ले कि राजा जी चटिया गए एक तरीके से, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, इनको देखने के बाद भी उन्हें संकल्प याद है, ये बात तो बताऊं बंधुओं, आपको लगता है कि विदेहराज इतने विद्वान, क्या वो इतने मूर्ख होंगे, इतने अविवेकी होंगे कि देखने के बाद राम जी को और संकल्प के लिए वो लगे होंगे। देखिए हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि जब जनक जी से विश्वामित्र जी ने पूछा कि एक बात बताओ जनक जी, आपको क्या लगता है ये धनुष कौन तोड़ेगा, कौन इतना बड़ा बलवान है, कौन इतना बाहुबली है जो धनुष तोड़ सकता है, ये बताइए। तो उन्होंने कहा जनक जी ने कि देखिए धनुष तोड़ने के लिए बलवान होने की आवश्यकता नहीं, कोई भी धनुष डेढ़ पसली भी कोई दुबला पतला भी तोड़ सकता है, धनुष तोड़ने के लिए चरित्रवान होने की आवश्यकता है, जो चरित्र का धनी होगा धनुषों से ही टूटेगा। और ये अयोध्या धाम से आए, कल मैंने कथा चर्चा की थी, जो होंगे उस कथा तक पहुँचेंगे, ये अयोध्या धाम से आए हैं, यदि इनको मेरी बेटी देख ले, क्या बात है। उन्होंने कहा चरित्र से भी मुख्य बात ये है कि धनुष तो वही तोड़ेगा जिसे मेरी कन्या पसंद कर लेगी, बस ये सती के सतीत्व का बल है, ध्यान दीजिएगा, जिसने जानकी जी ने जिसको पसंद कर लिया उसमें शक्ति हो या ना हो धनुष उससे उठ जाएगा, मैं जानता हूँ। और यदि किसी प्रकार ये जानकी जी इनको देख लें, ये जानकी जी को देख लें, तो बात बन जाएगी दोनों की। तो कहा तो फिर कैसे मिलवाया जाए दोनों को, अब परसों ही तो विवाह है, तो ये हुआ कि भाई विवाह से पहले यदि ये मिल गए वहाँ पे तो, अरे मान लीजिए भाई अधिकारी लोग जानते होंगे, कोई प्रशासनिक उसमें रहा हो सेवा में, तो जब बड़े बड़े पद की बात होती है, अरे मान लीजिए मैं जज की बात करूँ, जज की, तो जज के यहाँ कोर्ट में केस चल रहा हो, मान लीजिए तो कोर्ट में केस चल रहा हो, और जिसका केस चल रहा हो वो जज के यहाँ दो दिन पहले उसके घर में बैठा हो, और उसके बाद उसके पक्ष में फैसला हो जाए, तो जज के ऊपर सुई आ जाएगी नहीं आ जाएगी, संदेह की। अधिकारी को सिलेक्शन करना है पोस्टिंग का, किसी को कुछ बनाना है, पद देना है, और वही रोज उसके यहाँ मंडरा रहा हो घर में, तो सुई घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी कि ये कुछ लिए बात तब जाके हुआ है। वही बात जनक जी ने कहा कि अब दो दिन बाद विवाह है, सबके नेत्र गड़े हुए हैं राजमहल में, अगर इनको राजमहल में हमने बुला लिया तो जितने और राजा आए हैं वो कहेंगे कि तो सर पहले से तुम बेईमानी कर दिए और पहले से साठ गांठ कर लिए, हम लोगों को मूर्ख समझ रखा है जो हमको यहाँ इतनी दूर बुलाया, कहेंगे कि नहीं कहीं विवाद हो। तो कहा ये तो हम कर नहीं सकते, तो कहा ऐसा करते हैं, कई बार होता है कहते हैं सड़क पर मिल जाना, वहाँ देख लेंगे, घर आने की जरूरत नहीं है। तो कहा कि एक काम करो, इन दोनों को कहीं बाहर मिलवा देते हैं। तो कहाँ मिलवा दे, अभी कहाँ से आए थे, तो तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, कहाँ भी फुलवाई देख कर आ रहे थे। तो कहा एक काम करो, कल इतने बजे, भाई पुराने जमाने में यही तो होता था, कोई मोबाइल तो था नहीं कि हम पहुँच गए चौराहे पे आ जाओ, पहले होता था कि एक काम करना परसों तुम हमें इतने समय वहाँ मिल जाना चौराहे पे, हम भी आ जाएंगे वहाँ से, साथ में चलेंगे बस से। तो बोले कल इतने बजे आप भी भेज देना जानकी जी को, और हम भी भेज देंगे इन दोनों भाइयों को, वहीं भेंट हो जाएगी, काम बन जाएगा। तो समय जानी गुरु आए सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई, अब दोनों फुलवारी फूल लेने गए तो भूप बाग पर देखिए जाई, अरे जहां बसंत ऋतु रही। क्या बात है, देखिए क्या सुंदर माताओं बंधुओं, यह फुलवारी पुष्प वाटिका है, और इस पुष्प वाटिका में किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित था, स्त्रियां ही जा सकती हैं अंदर। आप देखिए हुआ क्या कि जब भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में आने को तैयार हुए, तो बसंत ने हिड़हट कर ली, बसंत ने कहा कि मैं जाऊंगा भगवान की अगुवाई करने। अरे भाई मान लीजिए प्रधानमंत्री आ रहे हो बस्ती में,
तो उनकी अगुवाई कौन करेगा? महापौर, यहाँ का जो प्रथम नागरिक होगा, मेयर, मेयर ही तो करेगा ना, इसलिए तो मेयर बनाए। और मान लीजिए उसको मना कर दिया जाए, आप नहीं जाओगे, तो ये नहीं कहेगा कि फिर मेयर क्यों हमको बनाया, मेयर बनने क्या सार्थकता। तो बसंत ने कहा, हम ऋतुराज हैं भाई, हम भगवान की अगुवाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो सबने कहा, ऐसा है कि समय भी तो कोई होता है, भगवान का विवाह कौन से महीने में हुआ था? मंगल मूल लगन दिन आवा और हिमो ऋतु अगहन मास सुहावा, अगहन के महीने में हुआ था। बसंत कहाँ से आ जाएगा? लेकिन बसंत ने कहा, हमारा पद है, हम चाहे जैसे भी आ जाएंगे, हमको लाना तो पड़ेगा। गोस्वामी जी ने कहा, देखो भैया, बात ऐसी है कि वो जनाना बाग है, और जनाना बाग में प्रवेश कैसे कर जाओगे तुम बसंत हो, और उससे भी बड़ी बात, तुम थोड़े दुष्ट हो। क्यों? कहा, देखो बसंत और पवन, आप पुष्प वाटिका में कहीं पवन को नहीं पाएंगे। पवन और बसंत जो है वो कामदेव के मित्र हैं। वो क्या करते हैं कि काम को बढ़ाते हैं, वेग को बढ़ाते हैं। नारद जी का जो मोह प्रसंग, वो भी व्यास समाज की विधि में मैंने प्रणाम किया है, उसमें यही हुआ था। जब कामदेव को मोहित करना था तो क्या किया, कामदेव को जब नारद जी को मोहित करना था तो सबसे पहले किन लोगों को भेजा था मदद के लिए? कित ही आश्रम ही मदन जब गय तो निज माया बसंत निर्मय। सबसे पहले बसंत को भेजा, फिर पीछे से पवन, चली सुहावनी त्रिविधु बयारी शीतल मंद सुगंध सुभाव। क्या हुआ उसे? काम क्रसानु बढ़ावनी, हाँ, काम के वेग को बढ़ाने के लिए इनको भेजा। तो कहा कि भैया तुम गड़बड़ कर देते हो, तुम काम के वेग को बढ़ा दोगे, और जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहु की रही सकहीं रवि रजनी एक धाम। कभी रात्रि और सूर्य एक साथ रह सकते हैं? काम और राम एक साथ कैसे रहेंगे? संभव ही नहीं। तो बसंत ने कहा, ऐसा ना करो, कोई तो उपाय खोजो, मत भेजाओ पवन को, हमें कोई मतलब नहीं, हमने मित्रता तोड़ दी, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे भी, त्रिवेद विहारी से, ना काम को बुलाओ, हमें तो आ जाने दो। तो कहा, लेकिन एक और बात है ना, सबसे बड़ी शर्त है कि ये यहाँ महिलाओं का प्रवेश है, पुरुष तो जा नहीं सकता। तो कहा, कोई उपाय? तो कहा, एक ही उपाय है। क्या उपाय? कहा, एक काम करो, चुपचाप साड़ी पहन लो, साड़ी पहन के कोई पहचान ना पाए, चुपचाप साड़ी पहन के चले जाओ अंदर, तुमको अगुवाई करने है, पुरुष के वस्त्र पहन के तो नहीं जाने देंगे हम। तो कहा, अच्छा। तो कहा, साड़ी क्या पहने? देखिए माताओं बंधुओं, जब तक बसंत बसंत है तब तक पुल्लिंग है। देखता तो बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा, तब तक बसंत बसंत है। और जैसे ही बसंत पे ऋतु की साड़ी पहना दी तो फिर वाह नहीं है, वो क्या हो गया? भूप भागवर देखी जाई, और जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। अब बसंत को भी साड़ी पहना करके स्त्रीलिंग बना के भेज दिया। तो बसंत ने कहा, तुलसीदास, तुमने हमको साड़ी पहनाई है, हमारा तुमने अपमान किया है, तो नियम सबके लिए एक होता है, जब तुम हमको नियम के दायरे में रख कर के साड़ी पहना के अंदर भेजे हो तो तुम भी अंदर नहीं आ सकते, तुम ही पुल्लिंग हो, अंदर नहीं जाओगे। गोस्वामी जी ने कहा, हम भी नहीं जाएंगे अंदर, हम भी अपना उपाय खोज लिए हैं। क्या? अरे, कहा, हम भी पुल्लिंग तब तक हैं जब तक तुलसीदास हैं, तब तक पुल्लिंग है, और जैसे ही तुलसीदास से दास हटा दो, तुलसी पढ़ो छंद कि मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही हर्षि अली। और तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तो तुलसी भी चला से चली हो करके अंदर जा रहे हैं। तो भूप बाग पर देखिए जाई, अरे जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना
परनो बरनो पर बेली बिताना। क्या सुंदर सुंदर लागे बिटप मनोहर नाना। हमारे एक बड़े अच्छे प्रिय संत है, कई बार विनोद में हम लोग चर्चा करते तो कहते देखिए इसका अर्थ क्या निकला, बोले इसका अर्थ निकला कि जो बिटप है ना वो मनोहर के नाना लगते, लागे बिटप मनोहर नाना। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष मनोहर वृक्ष लगे हुए थे, तो क्या हुआ बाग तड़ाग बिलोकी प्रभु हर्षे बंधु समेत, अरे परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। जो भगवान श्री राम को सुख दे रही हो ऐसी पुष्प वाटिका में सब लोग भगवान श्री राम और प्रभु लक्ष्मण जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं। तब तक क्या हुआ कित ही अवसर सीता तह आई और गिरजा पूजन जननी पठाई। गौरा माता की पूजा करने के लिए माता जानकी भी आई और क्या हुआ करी मजन सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता। यहाँ भवानी भी अकेले हैं, ऐसा महिलाओं का बाग है ये, यहाँ भगवान शंकर भी आपको नहीं दिखेंगे, माता भवानी का मंदिर है। तो करी पूजा समेत अनुरागा और निज अनुरूप सुभग पर मांगा। माता ने माता भवानी से निवेदन किया माता मुझे मेरे अनुरूप वर दे देना, जैसी मैं हूँ ना वैसा मुझे वर दे देना। जितनी मेरी एक मैं उदाहरण सरलता में बता रहा हूँ कि जितनी मेरी हर प्रकार से हैसियत है, मेरे जैसे आचरण है, मेरा जैसा स्वभाव है, मेरे जितने कार्य करने की क्षमता है, मेरा जैसा व्यवहार है, उसी प्रकार से मुझे मेरा वर दे देना। तो माता भवानी ने कहा अरे माता जानकी हमारी ऐसी कहाँ मजाल कि हम आपके लिए वर खोजे, भाई आपको माता जो वर पसंद हो आप हमें आदेश करो वही वर आपको मिल जाएगा। तो नहीं नहीं माता आप जैसा चाहोगे वैसा ही वर हमको चाहिए। तो माता ने क्या किया जानते हैं माताओं बंधु, माता ने रूप बदल लिया और रूप बदल के क्या बन गई वो एक सखी सी असंग बिहाई, एक सखी बन गई। वो सखी कौन है जानते हैं, देखिए सखी को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि सखा कौन है और सखा को समझने से पहले एक कौन है। तो एक कौन है इस संसार में, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तुरीयमेव केवलम, केवल वही एक प्रभु और कोई नहीं, सबका मालिक एक हम लोग कहते हैं वो प्रभु। और उन एक का सखा कौन है, तो उन एक का सखा केवल और केवल हमारे सेवक स्वामी सखा सी अपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के बाबा जागेश्वरनाथ जी कह लीजिए, बाबा महाकालेश्वर भगवान कह लीजिए, हमारे महादेव बाबा भोले बाबा उन एक के सखा हैं। तो सखा की पत्नी कौन हुई, सखी हुई। यानी ये सखी कौन है, ये स्वयं माता पार्वती हैं जो रूप बदल के जा रही हैं किसी प्रकार दोनों का मिलान करवा दें। तो एक सखी सी संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई ते दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता वहीं आई भागती हुई आई अरे जानकी जी के पास हाफ रही है प्रसन्नता में आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सबने कहा अरे सखी क्या देख लिया तुमने ऐसा, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन कहु कारण निज हर्ष कर पूछती सब मृदु बहन। क्या देख लिया तुमने ऐसा क्या देख लिया। माताओं बंधुओं उसने कहा मैं क्या बताऊं क्या देखा, दो लोग आए हैं इस बाग में अभी अभी उनको देख के आ रहे, देखन बाग कुंवर दो आए, दो लोग आए हैं कैसे दिखते हैं बोले बे किशोर जवान दिखते हैं तरुण दिखते हैं। अरे सखियों ने कहा ये कैसी पहचान तुमने बताई, जब कुंवर ही हैं तो जवान ही होंगे और कुछ बताओ कैसे लगते हैं, तुम इतनी गदगद दिख रहे हो उनके रूप की विशेषता जल्दी बताओ कैसे लगते हैं। बोले सब भांति सुहाए
ये भी कौन सी तुमने सुंदरता बता दी, सब भांति सुहाए, कुंवर है तो अच्छे लगते, कुछ तो ऐसा बताओ कैसे है वो रूप तो बताओ। तो सखी कहती है कि श्याम गौर। फिर सखियों ने कहा एक बात बताओ, या तो कुंवर सांवला होगा या गोरा होगा, वो भी कौन सी तुमने बहुत बड़ी बात बता दी। अरे उनके रूप की कोई ऐसी विशेषता बताओ कि हम लोग तुरंत समझ जाएं कैसे दिखते हैं। बोले कि मैं कहूँ बखानी कैसे बता दूँ, क्योंकि गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी नहीं है, जो देखा है वो बोलने में नहीं आ रहा है और जो बोल रहे हैं वो देखा नहीं है, देखा कुछ और है, कैसे बता दूँ क्या देखा। तो सबने कहा ऐसा है भैया, रूप नहीं बता सकते तो रूप का प्रभाव ही बता दो। देखिए बड़ी उदाहरण की बात है, मान लीजिए कोई जब बहुत पढ़ा लिखा होता है तो मेडिकल स्टोर जाता है, तो मेडिकल स्टोर पढ़ा लिखा व्यक्ति जाके कहता है अरे अरे एक काम करो, हमको ब्रूफेन और पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन दे दो, हमारे सर दर्द भी हो रहा है, थोड़ा सा बुखार भी है ना, या और कुछ अलग से वो कहेगा कि हमको जरा लीवर में पेन हो रहा है, कि हम ऐसा कुछ बताएगा वो ना कि हमको यहाँ इस प्रकार से। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो जब ड्रग नहीं बता सकता, ड्रग के अंदर के वो नहीं बता सकता, दवाई क्या है, साल्ट क्या है, ये नहीं बता सकता, तो वो क्या करता है, वो जाता है तो उस दवाई का प्रभाव बता देता है। तो मेडिकल वाला समझता है कि अच्छा तुमको बुखार ठीक करना है तो बुखार ठीक करने की दवाई ये है, ब्रूफेन है कि पैरासीटामॉल की सूंघो। तो बोले प्रभाव ही बता दो, हम समझ जाएंगे दवाई कैसी है। बोले प्रभाव बता सकती हूँ मैं, क्या है क्या है। बोले जिन्होंने निज रूप मोहनी डारी और किन्हे स्वबस नगर नर नारी। सबको अपने वश में कर लिया है उन्होंने अपने रूप से, और आज तो यह दशा है सखी कि बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अरे अवसी देखी है देखन जो। उनको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यह समझ लीजिए आप, उनको देखना बड़ा आवश्यक है। इतना सुनना था कि सारी सखियाँ दौड़ पड़ी, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। प्रभु श्री राम तब तक लता भवन से प्रगट भे, लता भवन ते प्रगट भे, अरे ते ही अवसर दो भाई। दोनों निकले और जैसे ही निकले तो सखियों ने देखा, अरे सखी वो रहे, माता जानकी भी तब तक वहाँ सखियों के साथ पहुँच गई। और जब पहुँच गई तो क्या हुआ मालूम है, भगवान श्री राम माता जानकी को देख रहे हैं, माता जानकी प्रभु श्री राम को देख रही हैं। और दशा क्या है देखिए, व्यास थोड़ी सी व्यास समाज इसमें मैं लूँगा क्योंकि धनुष यज्ञ होना है, लेकिन यह बात मुझे कहना परम आवश्यक लगी। माताओं बंधुओं, रामचरित मानस से अधिक मर्यादित ग्रंथ आपको ज्ञान का ग्रंथ मिल जाएगा, वैराग्य का मिल जाएगा, भक्ति का भी संभवता मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन इस कलयुग में इससे अधिक मर्यादित ग्रंथ और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आप विचार करिए कि माता जानकी प्रभु श्री राम से पुष्प वाटिका में भेंट कर रहे हैं, और दोनों जब भेंट कर रहे हैं तो क्या स्थिति बनी उनकी, कि भये विलोचन चारु वचन चल मनहु सकुच निमित जे दिगल चल। दोनों के नेत्र अचंचल हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने यह भाषा नहीं लिखी, उन्होंने लिखा मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। जो राजा निमि है ना, भागवत की कथा आप लोग भागवत महापुराण सुनते होंगे, राजा निमि का स्थान ही हमारी पलकों के ऊपर है, और पलकों पर रहने के कारण ही पलकें झपकती हैं और उठती हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में, अर्थात उदाहरण के तौर पर हम कुछ वजन लेके चलें तो वजन लेने के बाद थोड़ी देर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, फिर थोड़ी देर बाद रेस्ट करके चलेंगे, तो पलकें निरंतर निमि का बोझ उठाए हुए हैं, इसलिए थोड़ा थक जाती हैं तो बैठ जाती हैं, फिर उठ जाती हैं जब उनको ठीक लगता है। तो मानो राजा निमि के ही वंश में तो माता जानकी है, उनको लगा कि ये बच्चे एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वहाँ बुजुर्गों का क्या काम है, उठे और उठ कर के निमि चल दिए, और चल दिए अर्थात एक दूसरे को देख रहे हैं, नेत्र एक दूसरे से नहीं हट रहे, किंतु गोस्वामी जी इस बात को नहीं लिख रहे, कह रहे हैं मनहु सकुच निमित जे दिगल चल। तब तक क्या हुआ, तब तक एक सखी को लगा कह रहे ज़्यादा देर हो रही है चले, तो उन्होंने कहा
चिल्ला करके, किसी से कोई बात नहीं हुई थी, उन्होंने चिल्ला कर कहा हम कल फिर आएंगे यहाँ पर भाई, जिससे राम जी समझ जाएं कि कल फिर यहीं भेंट होगी और अब चलो आप अपने रास्ते जाओ हम अपने रास्ते जाएं। तो चिल्ला करके कि राम जी सुन भी लें और अब अपना चले भी, तो कल फिर भेंट हो जाएगी, अभी बातचीत तो कुछ हुई नहीं। तो उन्होंने चिल्लाया कल आएंगे फिर से, चलो सखी कल फिर यहाँ आएंगे, ऐसे सुनाते हुए पुनिया उब एही बेरिया काली अस कही मन भी हसी एक लाली, कल फिर आएंगे। इतना सुना तो राम जी को भी समझ गए, अरे भाई आप एक बात बताइए, आपसे कोई कहे अच्छा चलो अब कल मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि आज का मिलन पूर्ण हो गया, अब अपने आप घर पधारिए हम अपने घर पधारे, सीधे ये कहते ना कि अब जाओ ये तो नहीं कह सकते ना, तो कल आएंगे। तो राम जी भी समझ गए इशारों में कि आप चलो अब चला जाए गुरुदेव के पास। तब तक दूसरी सखी ने कहा अरे सखी कैसी मूर्ख हो तुम, तुमने ऐसा कैसे कह दिया कल आएंगे। हाँ क्यों, अरे कहा कल तो धनुष यज्ञ है, कल तो जानकी जी का स्वयंवर है, कल हम यहाँ कैसे आ सकते हैं, कल तो हम सब लोग वहाँ प्रांगण में रहेंगे और इनको तुमने चिल्ला दिया कि कल हम यहाँ आएंगे, ये तो कल यहाँ आ जाएंगे फिर, तुमने अब क्या करें, तुम्हें बड़ी गलती हो गई। तो एक सखी ने कहा जाओ दौड़ करके चिल्ला करके आओ कि कल हम यहाँ नहीं आएंगे कहीं और रहेंगे, ऐसा कुछ उनको सुना दो कम से कम कि वो समझ जाए। अब वो सखी दौड़ी सुनाने के लिए श्रीराम को हम यहाँ नहीं आएंगे करते हुए, लेकिन देखा तब तक तो प्रभु श्रीराम जा चुके थे। अरे मुंह लटका के आई, बहुत बड़ी गलती हो गई, तब हमने कह दिया कल आएंगे, कल तो आएंगे नहीं। माता जानकी सब सुन रही थी, माता जानकी के मन में आया कि चलो सखी ने आज ये कह दिया कि कल आएंगे, जब वो आए थे तो गलती से कह दिया कि कल आएंगे ये बोला, लेकिन आज तो इनसे किसी ने नहीं कहा ना यहाँ आने को, हमें से आज किन्होंने हमको इनसे मिलाया, किन्ने मिलाया, किनकी कृपा से मिलाया, इनको आवाज़ देने से कोई अर्थ नहीं है, चलो हम उन्हीं के पास जाएं ना और उनसे जाकर निवेदन करें कि इनको पुनः कल हम कहीं और रहेंगे वहाँ भेज दें, जो इनको आज यहाँ हमसे मिला सकती हैं वो इनको कल वहाँ भी हमसे मिला सकती हैं। तो माता जानकी कहाँ गई, गई भवानी भवन बहोरी और बंदी चरण बोली कर जोरी कि जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन खडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव भेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी स्वबस विहो विमोहनी विश्व विहारिणी। अरे विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख महिमा अमित न सकई कहीं सहस शारदा शेष सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी मूर मनोरथ जानू नी के बसों सदा उर्पुर सब ही के कीन है प्रगट न कारण ते ही और अस कही चरण गही बैदे ही। माताओं बंधुओं आज भी संतों महात्माओं की ये मान्यता है कि यदि किसी कन्या के विवाह में कुछ विघ्न आ रहा हो तो यदि माता भवानी को स्मरण करके पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको जपा जाए, इन अर्धालियों को रामचरितमानस की जपा जाए, तो माता जानकी अवश्य ही उनके विवाह का प्रयोजन शीघ्र से शीघ्र करती हैं। यहाँ भी जैसे ही माता जानकी ने इस प्रकार निवेदन किया, अरे माता आप तो सब जानती हो, तो विनय प्रेम बस भई भवानी और तुरंत खसी माल मूर्ति से माला खिसक गई, आज भी इसको हम शगुन मानते हैं, और मूर्ति मुस्कानी अर्थात सगाई तो माता जानकी की यही माला खिसकने से ही हो गई, और माता जानकी से माता भवानी ने क्या कहा जानते हैं कि सुनुसी सत्य आशीष हमारी अरे पूजी ही मन कामना तुम्हारी कारण नारद वचन सदा सुचि साचा। माता पार्वती को नारद जी महाराज के वचनों पे जितने
विश्वास है ना, हम लोग चर्चा प्रथम दिन जो लोग आए होंगे द्वितीय दिन, द्वितीय दिवस उस कथा को जानते होंगे वाताओं बंधुओं। और यहाँ भी नारद जी महाराज ने ही जनक जी को ये बात कही थी कि जो धनुष उठाएगा उसी से विवाह होगा। कहा नारद जी की बात है। और एक बात और सुनेगा ध्यान से, माता जानकी ने क्या मांगा था, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, आपको जो मेरे अनुरूप लगे। और माता भवानी ने क्या कहा था, नहीं नहीं हमारी क्या कि हम आपको पसंद करें, आपको जो पसंद हो वो मिलेगा, यही कहा था ना। क्या कह रही है अब, नारद वचन सदा सुचि साचा और सो बर मिलही जाही मनो राजा, जिसमें आपकी रुचि है वही वर आपको मिलेगा। तो मन चाही राचे मिलही सो वर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मन मंदिर चली तो जानी गौरी अनुकूल सियही हरश न जाई कही मंजुल मंगल मूल। बाम अंग फड़कन लगे, माता के बाएं अंग फड़कने लग गए, माताओं के बाएं अंग फड़कना शुरू होता है और पुरुषों के दाहिने अंग फड़कना शुरू होता है। अब माताओं बंधुओं उधर प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी महाराज के पास आ गए, इधर जानकी जी अपने महल चली गई। रात्रि किसी प्रकार प्रभु ने चंद्रमा को देख के माता जानकी को याद किया, स्मरण किया। प्रातः काल सतानंद जी महाराज ने आकर के निमंत्रण दिया, अरे गुरुदेव दोनों बालकों को लेकर के आपको स्वयंवर में पहुंचना है। विश्वामित्र जी भी कहते हैं चलो राम अब जरा चला जाए स्वयंवर ही देखने कि सुई स्वयंवर देखिए जाई और ईस का ही धो दे बड़ाई। चलो चल के देखा जाए अब स्वयंवर में किसको भगवान बड़ाई देते हैं ये भी पता पड़ जाएगा। तुरंत लक्ष्मण जी महाराज पलट के बोले प्रभु कैसी आप बात, आपका आशीर्वाद होते हुए किसी और को बड़ाई मिल जाएगी। लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तव जा पर होई। और किसी को यश मिल सकता है आपके अलावा, आप पे आपकी कृपा जिस पे हो जाएगी। अब माताओं बंधुओं अब वो लोग पहुंच गए, सीता जी माता जानकी के स्वयंवर में सब लोग पहुंचे। तो जब पहुंचे तो क्या हुआ मालूम है माताओं बंधुओं, जनक जी महाराज ने देखा वाह कितनी भीड़ आ गई है, जनकपुर में जानकी जी के स्वयंवर में इतने सारे लोग आ गए, क्या बात। देखी जनक भीड़ भई भारी, इतनी भीड़ आ गई। अरे आप विचार करिए भाई, किसी ने विवाह माताओं का कन्याओं का विवाह होता है, लड़की का जो पिता होता है कन्या का वो बारातियों की गिनती करता है कि नहीं करता, कि भाई 250 क्योंकि उसी हिसाब से तो हलवाई को भोजन देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता, या प्लेट सिस्टम भी रहता है तो 300 की 400 की 1000 की 2000 कुछ तो रहता है एस्टिमेट, उससे 150 आगे ऊपर बना लेता है हलवाई, मान लीजिए ना। अब एक बार बताइए कि आपने 500 के लोगों का निमंत्रण दिया हो, 500 लोगों का भोजन बनाया हो और 50,000 लोग एकदम से आ जाए आपके यहाँ, क्या स्थिति बनेगी आपकी। और एकदम आप तो सब बर्बाद हो गया, ये कैसे हो गया, चिंतित हो जाएंगे कि नहीं। ये तो सामान्य वर्ग की बात है, कोई मंत्री हो बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके यहाँ आ जाए तो उसको एक प्रसन्नता ही होगी, वाह क्या हो गया, सारी होटलों की थालियाँ बुक कर दो, सब बुक कर दो, फोन करके अभी मंगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है, अच्छा हुआ, देखो तो कितना मेरा नाम है, कितना मेरा प्रेम है, इतने लोग आ गए, ऐसे ही सोचेगा ना वो। तो जनक जी ने भी कहा वाह इतने सारे लोग एक साथ आ गए, देखा मेरा जलवा और देखा जानकी जी के विवाह का क्या लोगों में वो है उत्साह है, सब चले आ रहे। देखी जनक भीड़ भई भारी तो सूची सेवक सब लिए हकारी, चलो चलो जल्दी आओ, लग जाओ, देखो तो कितनी भीड़ आ गई है, देखा क्या बात है, जानकी जी के स्वयंवर की क्या प्रतीक्षा चल रही है। तो लोगों ने जो सेवक तुमने कहा महाराज लोग तो आ गए बहुत सारे, लेकिन आप गलत फहमी मत रहिएगा, कहा क्यों, कहा इसलिए कि उसे एक उदाहरण सरल उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे माताओं बंधुओं,
एक हुआ क्या कि एक ऐसे ही महाराज थे, गीत संगीत के आधार पर कथा सुनाते थे, और जब होता था तो बहुत सब नाचते थे। और नाचने में क्या था कि उनकी एक बहुत कोई विदेशी शिष्या थी, और वो एकदम भक्ति में लीन होकर के नृत्य करती थी जब कथा होती थी। तो आधे लोग तो भगवान की कथा सुनने आते हैं, आधे भी क्या 25% आज के उसमें कथा और प्रवचन के लिए समय निकल जाए, तो बाकी लोग तो हुड़दंग करने और ये उस प्रकार से कलयुगी जीव है भाई। मंदिर में भी चप्पल चोरी करने के भी लोग हैं, वो भी हैं कहीं ना कहीं निर्धारित, जो इसलिए आते हैं जिनको चप्पल चोरी करने से काम है। तो अब क्या है कि माताओं बंधुओं, आधे से ज़्यादा लोग तो उसका नृत्य देखने आते थे। अब लेकिन महाराज जी को तो लगता था कि वाहरे मेरी कथा और वाहरे मेरा गान, देखो तो इतनी भीड़ आई है। अब एक दिन क्या हुआ कि महाराज जी का थोड़ा सा गला गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, अरे चेला आज मेरा गला कुछ ठीक नहीं, मुझे लगता है कि आज ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, ज़्यादा आनंद हो नहीं पाएगा। तो चेला ने कहा, महाराज आपका गला ठीक हो चाहे बेकार हो, जो आपकी शिष्य आती है उसका तो स्वास्थ्य ठीक है ना, वो तो आएगी। तो कहा, हाँ वो आएगी। तो कहा, फिर आप चिंता मत करिए, जनता पूरी आएगी, आपको उसे कोई लेना देना नहीं, गले होने से किसी को कोई बात नहीं। वही बात यहाँ पे हुई, जानते हैं क्या, जनक जी ने कहा, अरे देखो तो कैसे सब लोग आ गए, देखो तो कितना मेरे लिए, जानकी जी के लिए आ गए। शीला राम लोगों ने कहा, राजन ज़्यादा भ्रमत पालना, ये कोई आपके लिए इतनी भीड़ नहीं आई है, ये कोई जानकी जी के लिए भीड़ नहीं आई है। तो कहा, फिर किस लिए आई है भीड़, सेवक कहते हैं वो रंग भूमि आए दो भाई, और यह सुधि जब पुरवासिन पाई, तो चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। वो तो उन दो बालकों को देखने के लिए भीड़ आई है, कोई आगे स्वयंवर में इतनी भीड़ नहीं हो सकती थी, जितनी भी आ गई। अब माताओं बंधुओं, भगवान को जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज के साथ अब जब आ रहे हैं, तो जितने लोग प्रभु श्री राम को देख रहे हैं, देखे सब अपने अपने अनुसार प्रभु को देख रहे हैं। और प्रभु श्री राम उस धनुष यज्ञशाला में जहाँ से गुजर जा रहे हैं, कोई क्या देख रहा है, बोले देख ही रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। कोई क्या देख रहा है, बोले डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, कुटिल लोग जो थे डर गए, मनहु भयानक मूर्ति भारी। विद्वान लोग क्या देख रहे हैं, विदुषण प्रभु विराट में दिखा, विराट स्वरूप प्रभु का देख रहे हैं, बहुमुख कर पद लोचन सीसा। जनक जी कैसे देख रहे हैं, जनक जाति अब लोग ही कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे, सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति। बच्चे की तरह देख रहे हैं जानकी जी को, जनक जी और माता सुनैना, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी, तो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनको जैसी भावना आ रही थी, आज प्रभु का वैसे ही दर्शन कर रहे थे। विश्वामित्र जी महाराज से राम जी ने कहा, गुरुदेव ये लोग कौन हैं, ये लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं। तो गुरुदेव ने कहा, राम ये सब लोग राजा है, राजा ये दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप से नाना आए हुए हैं, बड़े बड़े राजा हैं। तो कहा, ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम दरअसल जनक जी के एक कन्या है, और उस कन्या से विवाह के लिए जनक जी ने ये प्रण रखा है, ये संकल्प रखा है कि जो इस धनुष को उठा देगा उससे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। तो छोटी सी कन्या के विवाह के लालच में 50,000 साल के राजा, 1,00,000 साल के राजा, कमर में फेंटा बांध बांध के, बालों में खिजाब लगा लगा के, काले कर कर के, अपने आप को युवा बताते हुए यहाँ पर उस कन्या से विवाह के लालच में आए हैं राम। देखिए बताओ बंधु,
एक विवाह का भी एक समय होता है, एक आयु होती है, नंबर एक। और एक बात मैं अवश्य सदैव कहता हूँ, हर आयु की अपनी विशेषता होती है और अपनी शोभा होती है, हर आयु की, और उसी अनुसार आपके शरीर की बनावट की भी शोभा होती है। भाई अगर 50 साल का व्यक्ति जीन्स टी शर्ट पहन के और बढ़िया डाई करके और ऐसे घूमेगा चश्मा लगा के, तो क्या वो शोभा पाएगा? नहीं पाएगा। उस अनुसार 60 वर्ष का, 65 वर्ष का, उस अनुसार जब वो वस्त्र पहनेगा। अच्छा दूसरी बात, मान लीजिए 60 वर्ष का व्यक्ति बाल काले कर ले, कोई उसमें बुराई बात नहीं है, करना कोई बुराई नहीं, मैं उदाहरण समझा रहा हूँ आपके बस, पूरे बाल काले कर लिए उसने 60-70 वर्ष की व्यक्ति ने, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सामने वाला आपको बाल काले देख करके सोचेगा कि आप 16 वर्ष के आदमी हैं कि 25 वर्ष के आदमी हैं? आयु तो आपकी उतनी ही समझ में आ जाएगी ना जितनी है ना। तो कहने का अर्थ है हर आयु की अपने उस अनुसार शरीर की व्यवस्था होती है और उसी अनुसार सम्मान होता है। और विवाह की तो अपनी एक आयु होती है, यही अवध में एक संत कहा करते थे, क्या विवाह की आयु होती है और क्या मर्यादा होती है जानते हैं? वो कवि तो कहते थे कि ब्याह की चाह उठे मन में तब 15-20-25 लौकी जाए, 15-20-25 तक ब्याह हो जाए बहुत ठीक है, 30 भय जग खीस भई, अब 40-50 में नाम न लीजे, और बाद 50 जो चाह उठे तब ज्ञान प्रचंड लो धीरज दीजे, और 60 के बाद जो चाह उठे तो उतारी के जूता कपारे पह दीजे। उसके बाद जूता चप्पल पड़ने के अलावा, बेइज्जती होने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहता है माताओं बंधुओं। तो विवाह की एक आयु होती है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राम तुम हमसे पूछ रहे थे ना कि जब माता अहिल्या के साथ अत्याचार हुआ तब राजाओं ने क्यों नहीं प्रतिकार किया? अरे जो स्वयं चरित्रहीन राजा है, जो हजारों वर्ष होने के बाद भी आज यहाँ पर इस स्वयंवर में एक कन्या के पति बन जाए, उस लालच में आकर के यहाँ बैठे हैं। एक कवि ने कहा है कि भले जो कि खुद ही नहीं है मुसाफिर, भला वे किसी का भला क्या करेंगे, और जिन्हें दर्दे दिल से ही फुर्सत नहीं है वो दर्दे वतन की दवा क्या करेंगे, वो देश के क्या काम आएंगे, वो समाज के क्या काम आएंगे जिन्हें अपने से ही फुर्सत नहीं। तो कहने का अर्थ है, विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम कह रहे थे ना कि राजाओं ने क्यों प्रतिकार नहीं किया और किस यज्ञ की मुझे तुमसे रक्षा करानी थी। जिन राजाओं का चरित्र इतना सड़ा और गला होगा कि वह हजारों वर्ष होने के बाद भी केवल विवाह के लालच में राजा बने होंगे, वो अहिल्या की सम्मान की रक्षा क्या करेंगे और वो विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा क्या करेंगे? राम उन्हीं राजाओं का दर्शन कराने मुझे तुम्हें यहाँ लेके आना था, ये धनुष यज्ञ तो एक बहाना था, इस व्यवस्था को आपको तोड़ना है राम। तो जैसे ही राम जी सबको देख रहे हैं तब तक जनक जी ने सेवकों को भेजा, जाओ 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 प्रभु श्री राम को सबके साथ बिठाओ। तो सब मंचनते मंच एक सुंदर पिशद विशाल, गुरु समीप दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। वहां दोनों भाइयों के साथ गुरुदेव को बिठा दिया गया। अब जब माताओं बंधुओं बिठा दिया गया, माता जानकी को बुलाया गया। अब माता जानकी आ रही, जानी सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। माता जानकी देखिए चली आ रही हैं और पूरे अपने दुल्हन के वेश में आ रही, आज उनका विवाह होना है। गोस्वामी जी ने प्रयास किया कि आज प्रभु के बल की तो बड़ी उपमा मैं लिखता रहूँगा, माता के रूप की भी कुछ आज कलम चल जाए, माता की सुंदरता के लिए भी कुछ चल जाए। क्या रूप है उनका, कैसा रूप है? कुछ प्रयास पुष्प वाटिका में किया था लेकिन फिर रोक दिया था। क्या किया था कि सुंदरता कह सुंदर करई, वो माता जानकी बहुत सुंदर है जो सुंदरता को भी सुंदर कर दे। फिर मन में लगा
कि सुंदरता को सुंदर कर दें यार, अर्थात सुंदर को और सुंदर कर दें। तो सुंदर को और सुंदर ना करें तो भी सुंदर तो सुंदर रहेगा ही, सुंदर तो सुंदर है ही, और ना भी करो सुंदर। भाई चाय में शक्कर डालने की एक लिमिट होती है, एक बार मीठी हो गई तो उसके बाद और मीठी करो ना करो क्या अंतर है ना। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण, हम संत संत हैं, साधु हैं, अखाड़े के महानिर्वाणी से हम संबंध रखते हैं, हमारा अखाड़ा है सिद्धानाम कपिलोमनी, महाकाल बाबा की हम सेवा में चरणों में उन्होंने अपने वहाँ लगा रखा है उज्जैन। मान लीजिए हम कथा प्रवचन ना भी सुनाएं, ना हमें राम कथा आती हो, ना श्रीमद् भागवत है, कुछ ना आती हो, तो भी हम ये वेश से भगवान का भक्ति मंदिर में है तो साधु तो है ही। आप ये तो नहीं कहेंगे, आप तो कहेंगे कि महात्मा जी हैं, ना सुनाए कथा तो क्या हुआ, महात्मा जी तो है कि नहीं है, इतना तो हो गया। तो उसी प्रकार सुंदर सुंदर तो हो ही गया, जैसे ही सुंदर कह दिया उसको और सुंदर करो ना करो क्या अंतर है। अरे कहा नहीं नहीं ये कोई बात नहीं बनी। बोले छवि ग्रह दीप शिखा जनु परई, जैसे घर की सुंदरता दिया लगाए, जब दिया लगता है दीप शिखा तो क्या होता है, अंधेरे घर में जैसे प्रकाश होता है तो पता पड़ता है कमरा वहाँ पे है, शीशा यहाँ लगा है, अलमारी वहाँ रखी है, ये पेंट हुआ है ना। तो सोचा कि अरे दिया ना भी लगाए तो पेंट बदल तो नहीं जाएगा, अलमारी इधर की उधर तो नहीं हो जाएगी ना, आपके नेत्र नहीं देख पा रहे तो क्या वो कमरा सुंदर नहीं है दिया से, ये भी गड़बड़। और दूसरी बात, इन दोनों के बारे में खूब सारे कवि कह चुके हैं तो पहले झूठी हो गई सब उपाय। सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पट तरऊ विदेह कुमारी, कैसे करूं, उस समय कलम छोड़ दी। दूसरा प्रयास यहाँ सुंदरता का कर रहे हैं, कह रहे वाह माता जानकी आ रही, शिय शोभा की मिजाई बखानी। और एक और बात आपको बताऊं, आज तो माताएं आई हैं बहुत सारी, तो उनकी एक और बात बताऊं कि वैसे भी एक माता अपने पूरे जीवन काल में सबसे सुंदर कौन से दिन लगती है, सबसे सुंदर वो तभी लगती है जिस दिन उनका विवाह हो रहा होता है। वैसे तो इससे ऊपर की बात यह है कि हर माता जब भी शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़ी होती है तो वो यही अपने आप में सोचती है कि मुझसे सुंदर इस दुनिया में और कोई नहीं। जब दर्पण के सामने माताएं खड़ी होंगी तब तो यही सोचेंगी कि हमसे सुंदर और कोई नहीं है, ऐसा उनके मन में भाव रहता है। एक कवि कहते हैं माताओं बंधुओं, वो कहते हैं हमारी माताओं के लिए, वो कहते हैं कि देखो भैया इस संसार, आजकल तो सब फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना आ गया, बोले इस दुनिया में कन्या उतनी सुंदर भी नहीं लगती, उतनी खूबसूरत भी नहीं लगती जितनी वो अपने फेसबुक प्रोफाइल की आईडी पे लगाती है, और कन्या उतनी बदसूरत भी नहीं लगती जितनी आधार कार्ड में उसकी फोटो आती, उसी के बीच में कहीं उसका रूप होता है, फेसबुक प्रोफाइल आईडी से लेके आधार कार्ड के बीच में। तुम कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, वैसे तो एक माता सबसे अधिक सुंदर तब लगती है जब उसका विवाह होता है। तो गोस्वामी जी को लगा कि और कभी मैं सुंदरता की उपमा दूंगा तो हो सकता है कुछ 19-20 हो जाए, आज तो माता सबसे अधिक सुंदर लग रही है, आज ही का प्रयास यही अवसर है, आज के आज ही कर लो, कलम उठाई प्रयास प्रारंभ कर रहा है, कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बोले सीय शोभा किमि जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। माता के रूप की उपमा कैसे दे दूं मैं, किससे दे दूं, सोचा अगर प्राकृतिक नारियों से दूंगा माने जो संसार की स्त्रियां हैं उनसे मैं दूंगा तो बहुत गलत हो जाएगा, अरे उसकी तरह आंखें हैं, उसकी तरह चेहरा है, नहीं नहीं ये तो मुझे उपमा सकल मोहि लघु लागी,